इससे फर्स्ट इफेक्ट होगा वो दुकान वाले फर्स्ट इफेक्ट होगा, मगर उसके बाद हमको भी बहुत बहुत इफेक्ट होगा। ऑलरेडी बेंगलोर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एरिया में बहुत लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी ऑनलाइन खरीदते हैं। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स केला एप्पल सभी हम वो रस्ते पे आके हमारे पास ले रहे थे, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, घर में बैठ के ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। देखिए खाने के बारे में भी बहुत सारे लोग रस्ते पे आ रहे थे आलू पराठा खाने के लिए, चाट खाने के लिए, बहुत सारी चीज खाने के लिए, मगर बहुत सारे लोग अभी घर में बैठ के ऑफिस में बैठ के स्विगी जोमेटो वो अलग अलग ऐप से ऑर्डर कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि उसका बिजनेस बहुत हो जाएगा और हमारा बिजनेस कम हो जाएगा। और देखिए ये दो चीज साथ में हो रहा है। एक तरफ कोर्ट बोल रहा है कि आपको फुटपाथ में व्यापार नहीं करना है, दूसरे तरफ ये बहुत सारे बड़े कंपनी आ रहे हैं। ये दोनों आपको समझ में आ रहा है साथ में कैसे आ रहा है? एक तरफ हमको फुटपाथ से भगा देगा, दूसरे तरफ उसको बिजनेस करने के लिए मोदी सरकार वो एफडीआई को वेलकम कर रहे हैं। और पहला वेलकम करने के बाद बहुत सारे हजारों करोड़ वो इन्वेस्ट करने के बाद फरवरी ने ये सरकार ने कुछ रेगुलेशन चेंज किया और वो बोला कि फ्लिपकार्ट अमेजन वो सबको आप इतना सारे डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, उसको रेगुलेट करना है। मगर जो रूल्स है वो अमेजन फ्लिपकार्ट वो कोई नहीं फॉलो कर रहा है, मगर उसके ऊपर कुछ फाइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर स्ट्रीट वेंडर्स एक छोटा वायलेशन भी किया तो हमके बड़े फाइन देते हैं। जब हम कानून फॉलो करके हम व्यापार कर रहे हैं, पुलिस हमको बहुत तंग करता है, वो म्युनिसिपैलिटी लोग बहुत तंग करता है, मगर ये बड़े बड़े कंपनी कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहा है। अभी फरवरी फर्स्ट वीक में उसको रेगुलेट करने के लिए थोड़ा रूल्स लेके आया, वो रूल्स भी नहीं फॉलो कर रहे हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट ये सारे कंपनियां। उसके बाद अभी साथियों एक हफ्ते पहले एक नया ई कॉमर्स पॉलिसी आया है, आप सब लोग ने देखा हो नया ई कॉमर्स पॉलिसी? नहीं देखा होगा क्योंकि वो सिर्फ इंटरनेट पे वो ई कॉमर्स पॉलिसी है और वो पॉलिसी सिर्फ इंग्लिश में है, सिर्फ अंग्रेजी में है। देखिए साथियों इधर जो तमाम वेंडर्स हम हैं, हरियाणा से है, मणिपुर से है, पंजाब से है, तेलंगाना से है, तमिलनाडु से है, ये ई कॉमर्स पॉलिसी सिर्फ अंग्रेजी में है तो हम उसको देख के कैसे कमेंट्स दे सकते हैं? सरकार बोल रहा है आप सब लोग वो ई कॉमर्स पॉलिसी को देखो और उसमें आपको कुछ पॉइंट्स है तो कुछ कमेंट्स है तो दे दीजिए, मगर वो पूरा पॉलिसी अंग्रेजी में है तो वेंडर्स को कैसे देख के इनपुट्स दे सकते हैं? तो हमारा ये डिमांड होना चाहिए नेशनल हॉकर्स फेडरेशन से कि वो जो ई कॉमर्स का पॉलिसी है और वो रेगुलेशंस है वो हिंदी में होना चाहिए, बंगाली में होना चाहिए, उड़िया में होना चाहिए, मणिपुरी में होना चाहिए, जो जो प्रादेशिक भाषा है हमारा भारत में वो पूरा भाषा में होना चाहिए। अगर अंग्रेजी में एक आप कॉमर्स ई कॉमर्स का पॉलिसी बनाता है और बोलता है कि 30 पेज का है अंग्रेजी में, आपका जो फीडबैक है दे दो, कैसे देंगे? एक जो चीज पहला वो एजुकेशन नहीं देता है ठीक से, हम सबको अंग्रेजी नहीं आता है और पॉलिसी अंग्रेजी में बना के बोलता है कि तुम कमेंट्स दे दो, वो कैसे हो सकता है? ये चीज सिर्फ इसलिए है कि वो बड़े बड़े कंपनी जो है वो पढ़ के वो इनपुट्स देंगे। तो इसीलिए हमारा नेशनल हॉकर्स फेडरेशन से ये भी एक डिमांड होना चाहिए कि वो ई कॉमर्स के बारे में जो भी डिसीजन सरकार ले रहे हैं, जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, वो पूरा भारतीय लैंग्वेज जो है उसमें भी होना चाहिए। और साथियों और एक बात, आप कितने लोगों के पास जियो फोन है? जियो फोन कितने लोगों के पास है? हाँ बहुत सारे लोगों के पास जियो फोन है। अभी ये अंबानी ये ई कॉमर्स में भी आ रहा है। इतने दिन अभी सिर्फ अमेजन फ्लिपकार्ट वो विदेशी फर्म था, अभी देशी का अंबानी भी आ रहा है। और सरकार जैसे कि बीएसएनएल को तोड़ के जियो को पूरा बिजनेस दे रहा है, इसी तरह ई कॉमर्स में भी अंबानी को स्नैपडील पेटीएम जैसे देसी कंपनी को भी बिजनेस दे रहा है। ये जो मोदी सरकार है वो हमारा स्ट्रीट वेंडर्स को वो स्ट्रीट वेंडर्स का खिलाफ कर रहा है, मगर वो जो
इंडियन बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनी से, मगर उसके उसको मदद करने के लिए बहुत कर रहा है। अभी भी जो रेगुलेशन आया है फरवरी फर्स्ट वीक में ई कॉमर्स को ऊपर, वो सिर्फ विदेशी कंपनी पर है, देशी कंपनी पे नहीं है। देखिए, देशी या विदेशी हो, वो बड़े कंपनी पूरा हमारा हॉकर्स का खिलाफ है, वो हमारा हॉकर्स का तरफ नहीं है, स्मॉल वेंडर्स और रिटेलर्स के तरफ नहीं है। तो इसीलिए हमको नेशनल हॉकर्स फेडरेशन से, वो बड़े बड़े कंपनी जो है वो देशी हो या विदेशी हो, रिलायंस का हो या अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, उसका खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी होता है। तो साथियों, मैं अभी समाप्त करूंगा। जस्ट दो चीज, पहला है जो वो एक्ट का अमेंडमेंट हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है, वो एक्ट का बचाना बहुत जरूरी है, और वो जो ई कॉमर्स का हो रहा है, ऑनलाइन का हो रहा है, ये दोनों को साथ में देखना पड़ेगा, और ई कॉमर्स को भी भगाना बहुत जरूरी है। ये बोल के मेरा बात समाप्त करूंगा।